नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल एक्सप्रेस। देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं खुशी आज के मुख्य समाचारों में बात करेंगे, लेकिन मुख्य समाचार की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। 8 नई रेल परियोजनाओं को कैबिनेट की मंजूरी, बिहार झारखंड समेत पूर्वोत्तर के राज्यों को मिलेगा फायदा। पीएम मोदी ने पहलवान अमन को कांस्य पदक जीतने पर दी विदाई, बोले पूरा देश मना रहा जश्न। क्या है जमानत नियम और जेल अपवाद का सिद्धांत, जिसका मनीष सिसोदिया की जमानत पर एससी ने दिया हवाला। आजादी की सुबह की पहली चाय, 17 महीने बाद मनीष सिसोदिया ने पत्नी संग पोस्ट की तस्वीर। कौन है रितिका हुड्डा, पेरिस ओलंपिक 2024 में कुश्ती में भारत की एक और पदक की आखिरी उम्मीद। तो ये थी आज की सुर्खियां, हम चलते हैं बड़ी खबरों की ओर। केंद्र सरकार ने 8 नई रेल लाइन परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। इनसे रेल यात्रा में सहजता, माल ढुलाई की लागत में कमी के साथ साथ राज्यों के करीब संपर्क बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसका सबसे ज्यादा फायदा बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल और महाराष्ट्र समेत पूर्वोत्तर के राज्यों को मिलेगा। पेरिस में भारत की ओर से कुश्ती में चुनौती पेश कर रहे एकमात्र पुरुष पहलवान अमन सहरावत ने शुक्रवार को 57 किलोग्राम फ्रीस्टाइल वर्ग में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को अमन सहरावत को कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से सशर्त जमानत मिल गई है। जमानत देते वक्त शीर्ष अदालत ने जमानत नियम और जेल अपवाद सिद्धांत को आधार बनाया है। सुप्रीम कोर्ट से आबकारी घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के मामले में जमानत मिलने के बाद अब दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जेल से बाहर हैं। शुक्रवार देर शाम वे कारागार से बाहर आए, आपके नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। पहलवान रितिका हुड्डा शनिवार को पेरिस ओलंपिक 2024 में कुश्ती स्पर्धा में भारत की तरफ से आखिरी चुनौती पेश करेंगी। रितिका एक और पदक जीतने की भारत की आखिरी उम्मीद है। भारतीय दल की छठी और अंतिम पहलवान रितिका अपने पहले राउंड में हंगरी की बर्नडेट नेगी से मुलाकात करेंगी। कैसे लगे समाचार, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी कुछ खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रियल एक्सप्रेस।